आप घर बैठे बैठे हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से। अब इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनते ही मेजॉरिटी लोगों के माइंड में आता है कि यार इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ तो 10 से 15 साल बाद जाकर कुछ कमाल करती है, एंड करती भी है तो वह लमसम में होता है। बट वॉट इफ वी टेल यू देयर इज अ वे ऑफ मेकिंग अ रेगुलर इनकम ऑफ 20,000 to 25,000 रुपीज पर मंथ विद योर इन्वेस्टमेंट्स विदाउट रिस्किंग टू मच। इस वीडियो में हम 4 ऐसे तरीकों की बात करेंगे, एंड इन 4 में से 3 ऐसे तरीके हैं जिसमें आपका जीरो रिस्क है। सबसे पहला तरीका ऑफ जनरेटिंग अ फिक्स्ड मंथली इनकम विदाउट रिस्क इज पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम। क्योंकि इस स्कीम में आपको जीरो रिस्क है तो आपके रिटर्न्स भी इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम इज अ सेविंग स्कीम इनडायरेक्टली रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करंटली ये आपको 6.7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देती है, बट हर क्वार्टर इसका ये जो इंटरेस्ट है वो रिवाइज होता रहता है। इस स्कीम की लिमिटेशन ये है कि आप इसमें मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो एक सिंगल अकाउंट में। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप 9 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऑल्सो स्कीम का लॉक इन पीरियड इज 5 ईयर्स। 5 साल से पहले आप इसको बंद नहीं करवा सकते, लेकिन किसी रीजन से अगर आप 5 साल से पहले से बंद करवाते हो तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। As you can see, these charges vary depending when you close your account. 1 से 3 साल में 2% चार्ज लगेगा and 3 से 5 साल में 1% चार्ज लगेगा। Another thing that you should know about post office MIS scheme is that आपको सिर्फ interest rate हर महीने आपके account में मिलेगा। जो पूरा amount है वो आपको 5 साल बाद ही मिलेगा। With this feature, post office MIS scheme almost becomes like an FD. बस ये फर्क है कि FD में आपको जो interest rate है वो एक साथ मिलता है and इसमें आपको हर महीने। एक बार जरा ये कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। 4.5 लाख डिपॉजिट करने पे आपको हर महीने 2,500 का इंटरेस्ट मिलेगा एट 6.7% इंटरेस्ट। इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट यू विल गेट 5,000 रुपीज पर मंथ। इतनी महंगाई के चलते गेटिंग अ फिक्स्ड इनकम ऑफ 5,000 रुपीज विल नॉट बी इनफ फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ बेटर अमाउंट। सबसे बड़ा ड्रॉबैक स्कीम का यही है, एंड 6.7% इंटरेस्ट रेट इन आर ओपिनियन इज वेरी लो। इससे बेटर इंटरेस्ट रेट आपको मेजर अभी जो बैंक्स है सारे वो ही ऑफर कर रहे हैं। सो दिस मेक्स अस मूव ऑन टू आर नेक्स्ट स्कीम। नेक्स्ट स्कीम विच हैज द पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग हायर रिटर्न्स इज SWP और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज अ वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो एंड यू विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। क्योंकि इसमें आप अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका रिस्क ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बट आपको रिटर्न्स भी जनरली थोड़े बेटर ही मिलते हैं। SWP में यू गेट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 to 12% ओवर द ईयर्स ऑफ 7 to 10 ईयर्स। ऑल्सो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज आपको ये स्कीम ऑफर नहीं करते। सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ SWP स्कीम्स। फर्स्ट इज टाटा इंडिया एक्विटी हाइब्रिड ग्रोथ प्लान, सेकेंड इज SBI एक्विटी हाइब्रिड रेगुलर ग्रोथ प्लान, एंड थर्ड इज ICICI प्रूफ एक्विटी एंड डेट ग्रोथ प्लान। इस SWP स्कीम को थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से भी समझना जरूरी है, जिसके लिए हम आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड दैट विद SWP यू गेट योर इंटरेस्ट रेट प्लस सम पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। पोस्ट ऑफिस स्कीम में आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट मिल रहा था हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। सपोजली आपके पास 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए एंड यू विश टू जनरेट अ फिक्स्ड इनकम ऑफ 15,000 रुपीज पर मंथ विद दीज 10 लाख रुपीज। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आप 10 से 12% का इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो SWP से, बट क्योंकि यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल यूज करें तो हम एक कॉन्जर्वेटिवली 10% इंटरेस्ट ही अज्यूम करेंगे। अगर आपने ये पैसा पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 5 साल के एंड में पूरा 10 लाख ऐसे ही मिल जाता, बट SWP में ऐसा नहीं होता। एज यू कैन सी एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स विद SWP यू गेट ओनली 4.6 लाख एंड नॉट 10 लाख। SWP इज गुड फॉर पीपल हु कैन टेक रिस्क एंड जिन्हें थोड़ा ज्यादा मंथली इनकम चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ थर्ड स्कीम। नेक्स्ट वे ऑफ जनरेटिंग फिक्स्ड मंथली इनकम इज एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। एन्युटी प्लान्स आर लाइक FDs बट विद अ ट्विस्ट, क्योंकि ये प्लान भी एकदम 100% रिस्क फ्री है तो यू विल गेट स्लाइटली लोअर रिटर्न्स। पोस्ट ऑफिस में आपको स्कीम के एंड में पूरा अमाउंट मिल जाता था, SWP में आपको पार्ट ऑफ योर अमाउंट मिलता है, लेकिन एन्युटी प्लान में आपको एंड में कुछ नहीं मिलता है, यानी कि आपको आपका पूरा अमाउंट हर महीने टूट के मिल जाता है। दिस एन्युटी डिपॉजिट स्कीम इज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल दी बैंक्स एंड द इंटरेस्ट रेट्स मे वेरी फ्रॉम 5 to 8%। थोड़ा सा और ढंग से समझने के लिए आपके स्क्रीन पे कैलकुलेशन आएगी, उसको जरा
ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं एट 7% इंटरेस्ट रेट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो आपको हर महीने 19,801 रुपीस का इनकम मिलेगा फॉर 5 इयर्स, विच मींस कि आपको 5 साल बाद कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा। आपका जो अमाउंट जो 5 साल में होना था वो आपको हर महीने मिल जाएगा एज फिक्स्ड मंथली इनकम। Our last recommendation is only valid for senior citizens. This is called Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. This scheme is run by the LIC on behalf of Government of India. This is a 100% risk-free scheme, so it obviously has slightly lower returns. This is purely based on your pension income. Is scheme ko avail karne ke liye your minimum age should be 60 years and maximum age ki koi limit nahi hai. Is scheme mein aapko 7.4% ka interest rate milta hai agar aap monthly income ko opt karte hain and 7.66% ka interest rate milta hai agar aap yearly income ko opt karte hain. Please note that these interest rates keep on changing periodically. Also according to us 7.4% is a very good interest rate considering that isme zero risk involved hai. इस स्कीम में आप मैक्सिमम 15 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपको हर महीने 9,000 रुपए की फिक्स्ड इनकम देगा। ये 15 लाख रुपए आपको स्कीम के एंड होने पे यानी कि 10 साल बाद आपको पूरे के पूरे वापस मिल जाएंगे। सो दीज वर आवर टॉप रिकमेंडेशंस फॉर यू टू अर्न अ फिक्स्ड मंथली इनकम। ऑल्दो देर आर अदर schemes like stock dividend investing and bonds investing, but they might be a little more complicated for the investors. Let us know in the comment section agar aapko in char schemes ke alawa kuch aur aise schemes pata hai jiske bare mein hum detail video bana sakte hain. Till then, be kifayati.